भवानी मंडी में जन्मदिन पर पूरे परिवार ने लिया नेत्रदान का संकल्प। नगर में नेत्रदान एवं नेत्रदान संकल्प के प्रति लोगों में बढ़ती जागरूकता देखने को मिल रही है। इसी क्रम में नगर निवासी प्रदीप पाटनी ने अपने 56वें जन्मदिवस को अपने पूरे परिवार की नेत्रदान का संकल्प लेकर मनाया। भारत विकास परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी एवं शाइन इंडिया फाउंडेशन की ज्योति मित्र कमलेश दलाल ने बताया कि दिगंबर जैन चातुर्मास सेवा समिति भवानी मंडी के अध्यक्ष प्रदीप पाटनी के जन्मदिवस पर प्रदीप पाटनी के साथ साथ पूरे परिवार सदस्यों, धर्मपत्नी विनीता पाटनी, पुत्र इंजीनियर प्रतीक पाटनी एवं पुत्र वधु पूजा पाटनी ने भी नेत्रदान का संकल्प लेकर जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर कमलाबाई, राजेंद्र, सुनीता, संजय, सीमा, संजू एवं संध्या पाटनी आदि परिवार के सदस्य भी उपस्थित रहे। कमलेश जलाल ने बताया कि लगातार भवानी मंडी नगर में नेत्रदान के प्रति जागृति बढ़ती ही जा रही है। जहाँ लगातार मृत्यु के बाद परिवारजन नेत्रदान के लिए स्वतः आगे आ रहे हैं, वहीं अब जन्मदिवस, विवाह दिवस, त्यौहार एवं शुभ अवसर को भी लोग नेत्रदान के संकल्प के साथ मनाकर नेत्रदान के प्रति सकारात्मकता प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि इस माह में रिकॉर्ड 7 नेत्रदान भवानी मंडी क्षेत्र से प्राप्त हो चुके हैं। वहीं नेत्रदान संकल्पकर्ता प्रदीप पाटनी के अनुसार पिछले 4 महीने से भवानी मंडी में दिगंबर जैन संत विनीत सागर जी महाराज एवं चंद्रप्रभ सागर जी महाराज का चातुर्मास आयोजित हो रहा है। लगातार संतों के सानिध्य में रहने से उनके मन में परोपकार की भावना जागृत हुई है। ऐसे में महाराज साहब की प्रेरणा से लेकर अपने जन्मदिन को नेत्रदान का संकल्प लेकर मनाया है, जिसमें उनके पूरे परिवार ने साथ दिया है। प्रदीप पाटनी की धर्मपत्नी विनीता पाटनी ने कहा कि किसी नेत्रहीन की अंधता को दूर करके उससे नई ज्योति प्रदान करना बड़ा परोपकार का कार्य है। यही सोचकर पूरे परिवार ने इच्छापूर्वक नेत्रदान का संकल्प लिया है, जिससे कि मृत्यु के पश्चात हमारी बेकार होने जा रही आंखें किसी को नई रोशनी प्रदान कर सके। विनीता पाटनी ने लोगों से नेत्रदान के परोपकारी कार्य के लिए आगे आने की अपील की है। बीपीएनयू संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, भवानी मंडी, राजस्थान से खबर।